जी मेरे पास प्लांट है ईसीएम सटाइवम पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट की बेल है, जैसे मैं थोड़ा सा इसकी रूट्स को पिक करके, क्योंकि मुझे इसे शिफ्ट करना है अपने दूसरे प्लांट के अंदर, तो ये मैंने इसको निकाल रही हूँ और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे जो है वो इसके अंदर गमले के अंदर। तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा इसको ये जो खाद है इसकी सब इसको शिफ्ट करना होगा। पहले मैं इसको यहाँ पे सारा रूट्स इसके लिए के इसके समेत इनको शिफ्ट कर सकता। अब हमने इसको शिफ्ट करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डिगिंग करनी होगी। पहले ही मैंने ये वाली ली और इसको अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर सही तरीके से इसको कर दिया। ये है, इसको मैं इसकी रूट्स को लगाऊंगी, ये देखें यूँ इस तरीके से इसकी इसको भी मैं इस तरीके से लगाऊंगी। ये देख लीजिए ये रूट्स हैं इसकी, और ये रूट्स को इसी तरीके से ये वाला एक है यहाँ पे हल्का सा उनके हाथ से हल्की सॉइल के अंदर, ज़्यादा इतना ज़्यादा डीप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर ये मिड में ये यहाँ पे और यहाँ इसको और ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इंड्यूस कर सकती हूँ यहाँ पे, और ये इसके साथ ये छोटा ये एक रह गया है, इसको भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। रूट्स थोड़ी सी डाउन जानी चाहिए ताकि फिर ये जब डीप हो तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये इस तरीके से ये आ गया है, इस प्लांट को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए और यहाँ इसको भी हल्का सा। ये तो ये अब हो गया एरेशन के लिए, हमने रेशन करने के लिए थोड़ा सा इसको इतना ज़्यादा आप हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे ताकि इसकी रेशन रहे, ठीक है। और ये थोड़ा सा खाद जो उसकी थी दूसरे वाले, अब मैं इसको वाटरिंग कर दूँगी। और वाटरिंग जब भी करनी है पानी तरीके से देना है कि ये बिल्कुल सबमर्ज्ड हो जाए, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो देना चाहिए, थोड़ी सी एरेशन रहनी चाहिए ताकि ये अब इंशाल्लाह ये बड़े भी होंगे और दे विल ग्रो फास्ट। ये मेरा जो है वो चिलीज का प्लांट है, और ये देखिए इसमें चिलीज आ रही है और फ्लावरिंग भी हुई भी है, और दो तीन चिलीज तो मैं पहले भी कट कर चुकी हूँ, और अभी दो मैंने रिसेंटली कट की थी, और अब ये एक आ रही है और बाकी भी इंशाल्लाह आएंगी।